दोस्तों कल रात में YouTube ने तीन ऐसे अपडेट लॉन्च किए हैं जो अपडेट कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा बुरे। जैसा कि आपको पता है मैं अपडेट पर वीडियो बहुत ही कम बनाता हूं, लेकिन जो अपडेट मुझे लगते हैं कि हाँ ये अपडेट बहुत बड़े हैं जो आपको बताना चाहिए उसके बारे में मैं वीडियो बना देता हूं, जो कि आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज मैं आपको तीन ऐसे अपडेट के बारे में बताऊंगा जो YouTube ने अभी रात में ही कल निकाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कुछ खराब हैं कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे भी हैं। तो चलिए तीनों अपडेट के बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं। उसके पहले अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो आपके लिए लाऊं उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं आपको तीनों अपडेट के बारे में ए टू जेड बता देता हूं। दोस्तों फर्स्ट अपडेट इस बारे में है, जैसे आप लोग कोई चैनल क्रिएट करते थे और चैनल का जो नाम था उसे बार बार अपने हिसाब से आप चेंज करते रहते थे, तो YouTube ने अब क्या किया है कि आप जो अपना चैनल नाम चेंज करते थे उसके लिए एक लिमिट सेट कर दिया है। अब लिमिट कितनी होगी ये तो YouTube ने रिवील नहीं किया है, लेकिन कुछ लिमिट हो जाएगी, जैसे 3 बार 4 बार 5 बार या फिर 10 बार, कुछ ऐसे लिमिट वो सेट कर देंगे कि इससे ज्यादा आप अपने चैनल का नाम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काफी ठीक ठाक ही अपडेट है, क्योंकि बार बार चैनल का नाम चेंज करना किसे ही सही लगता है। अगर आपको एक सही तरीके से YouTube पर काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार लोग चेंज ही करते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं चेंज करता। तो एक ये है, साथ ही साथ इसमें एक एडिशनल अपडेट और भी है कि जैसे कोई कोई लोग अपने नेम में, मतलब जो उनका चैनल नेम होता है उसमें वो स्पेशल कैरेक्टर यूज करते थे, जैसे स्पेशल कैरेक्टर में वो क्या करते थे कि वो सही का साइन लगा दिए, मतलब जैसे आपका चैनल बैच मिलता है सही का साइन लगता है आपका जो नाम होता है चैनल का नाम उसके आगे, तो वो उसी तरीके का अपना कुछ लगा देते थे, इमोजी वगैरह सही का साइन या फिर कुछ भी लगा देते थे उसमें। तो इस तरीके का स्पेशल कैरेक्टर अब आप अपने चैनल नेम में नहीं यूज कर पाएंगे, YouTube ने ये एक अपडेट निकाला है और मुझे ये काफी सही लगता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अपना जो भी ये नाम लिखते थे कि मेरा ये फलाना नाम उसके सामने सही का टिक, ये सब फलाना चीज हट जाएगी, यानी एक सही तरीके से अब काम होगा। तो ये वाला अपडेट भी काफी अच्छा है, स्पेशल कैरेक्टर अब आप अपने चैनल के नेम में नहीं लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगा है। दोस्तों दूसरा अपडेट जो है उसके अंदर जो आप अपने चैनल में जो आपके सब्सक्राइबर होते थे उन्हें आप हाइड कर पाते थे, जैसा कि मेरा ही ब्लॉग चैनल है उस पर मेरे सब्सक्राइबर हाइड है इस टाइम, क्योंकि नया चैनल है और सारे चैनल जो भी नए क्रिएट होते हैं वो अपने सब्सक्राइबर हाइड कर देते हैं, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पर वो ओपन करते हैं अगर उनका लॉन्ग का चैनल है, और उनका अगर शॉर्ट्स का चैनल है तो वो लगभग 10000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही ओपन करते हैं। लेकिन YouTube ने क्या किया है कि अब सब्सक्राइबर हाइड वाला सिस्टम YouTube ने रिमूव कर दिया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, और ये अपडेट मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया लगा है, क्योंकि YouTube बोल रहा है कि हम लोगों ने इसको इसलिए रिमूव किया क्योंकि इसका मिसयूज होता था, गलत यूज होता था। अब भैया गलत यूज क्या होता था वो तो समझ से बाहर है, लेकिन YouTube ने कुछ सोचा ही समझा होगा, कुछ ऐसा यूज होता होगा गलत यूज जिस वजह से YouTube ने हटाया है। तो मुझे ये पर्सनली काफी खराब लगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग क्रिएटर हैं और आप अपने सब्सक्राइबर हाइड करते हैं तो आपका जब कोई भी वीडियो एक वायरल जाता है, यानी पहले आपके 100, 200, 400 व्यूज जो भी आते हैं, जब आपका एक वीडियो वायरल जाता है, जैसे शॉर्ट्स में तो आपको सब्सक्राइबर नहीं दिखते हैं शॉर्ट्स फीड के अंदर, लेकिन जैसे आपका लॉन्ग का चैनल है उसमें आपका ब्राउज फीचर से व्यू आते हैं सारे के सारे, उसमें आपके सब्सक्राइबर दिखेंगे अगर आपने हाइड नहीं किया है। और आपके अगर लॉन्ग के कोई वीडियो वायरल जा रहे हैं वहां पर अगर आपके वायरल जा रहे हैं आपके उतने सब्सक्राइबर होंगे नहीं, तो जब सब्सक्राइबर हाइड होता है तो कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी आती है कि हाँ भैया कॉन्टेंट अच्छा है लाइए सब्सक्राइब कर देते हैं, और वहीं पर जब नया नया आपका वायरल जाएगा और आपके सब्सक्राइबर 10, 20, 50, 100 दिखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी आती है कि भैया एक नया क्रिएटर है पता नहीं क्या कॉन्टेंट बनाया है कैसा है, तो कहीं ना कहीं एक सब्सक्राइब करने के लिए उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के लिए वो पीछे हट जाते हैं। तो मुझे ये पर्सनली काफी खराब अपडेट लगा, उनको सब्सक्राइबर हाइड वाला सिस्टम जो था वो हटाना नहीं चाहिए था। आपको ये अपडेट कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और लास्ट जो अपडेट है, तीसरा अपडेट YouTube ने निकाला है वो है कमेंट मॉडरेशन का। इसमें क्या करेंगे, जो भी क्रिएटर्स हैं वो जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट मॉडरेशन सिस्टम मिल जाएगा, जहां पर वो कमेंट का जो अपना सिस्टम है उसे आप हाई स्ट्रिक्टनेस में रख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, आपके जो कमेंट में बहुत सारे स्पैम कमेंट आते हैं, यानी कोई कोई एक कमेंट को 50 बार कर देता है 20 बार कर देता है, वो चीजें वो नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ कुछ आप लोग देखते होंगे इस टाइम तो लगभग 50% कमेंट
कॉपी पेस्ट वाले होते हैं। कहीं का क्वार्ट्स ये है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपके माँ बाप की उम्र लंबी हो जाएगी, अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे कीजिए, इस तरीके का जो कमेंट्स होते हैं कॉपी पेस्ट वाले टाइप के, ये कमेंट्स अब वो रिमूव कर देगा यूट्यूब। वो लोग ऐसे टाइप के कमेंट नहीं करेंगे, जैसे ही करेंगे वो स्पैम में चला जाएगा। तो ये भी काफी सही सिस्टम है, क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं, जिनका जेन्युइन कमेंट है, इससे जो लोग जेन्युइन कमेंट करते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं बड़े क्रिएटर्स को, या फिर कुछ अपना अपने तरीके से अप्रिशिएट करना चाहते हैं, वो सही तरीके से दिखेगा। जो स्पैम वगैरह आते हैं कि सेम कमेंट वो सब क्रिएटर में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उस तरीके के कमेंट हट जाएंगे। तो ये तीन अपडेट थे, जिसमें एक अपडेट मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया लगा। आपको कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा तीनों अपडेट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो ले आऊं उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।